डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं योम पैदाइश पर मौजम जाही मार्केट एक्स रोड पर बीजेपी जामबाग कॉरपोरेटर राकेश जायसवाल ने मीडिया से खिताब करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की योम पैदाइश पर सबको मुबारकबाद दी और बाबा साहब अम्बेडकर की जिंदगी के मुख्तलिफ रोशन पहलुओं से अवाम को वाकिफ करवाया। तो आइए देखते हैं मौजम जाही मार्केट एक्स रोड पर बीजेपी जामबाग कॉरपोरेटर राकेश जायसवाल के इस बयान के तफसीलात। और पल पल बाखबर रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप रहे पल पल बाखबर। आज कुछ लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का तो नाम तो लेते हैं लेकिन उन आदमी पर नहीं चलते हैं, क्योंकि काफ़ी इसमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ इस मंच के ऊपर खड़ा रखे, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर का मंच है। इस मंच के ऊपर केवल उनका ही बात होना चाहिए जिसने हमारे लिए क्या नहीं किया करके, क्योंकि अपने पूरे परिवार को उसने छोड़ देकर और माइनॉरिटी को और दलित को ये एक झुंड होने के लिए उसने अपने प्राण को अर्पण किया है बी आर अम्बेडकर बाबा साहेब ने, और उनका आचल पे चलने के लिए हम सारे लोग हम तैयार है और आगे भी रहेंगे। क्योंकि अगर ये झुंड को जो भी व्यक्ति जो भी कार्यकर्ता कोई भी पार्टी का हो अगर इसको तोड़ने के लिए अगर कोशिश करेगा या माइनॉरिटी को या अपना दूसरा को कोई भी किस्म के लोगों को या छोटे जात को किसी को भी हो अगर तोड़ने के लिए कोशिश करेगा मैं तो वोट बंद करेगा। अगर ये सब कुछ करेगा हम कोई चुप बैठने वाले से नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये एक हम लोग ने बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको सिखाया है और उनके धार पर चलने के लिए हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, बल्कि और आगे भी हम आगे इसी तरह से आगे चलने के लिए हम कोशिश करेंगे। क्योंकि एक नया उजाला जो अक्षर पढ़ने नहीं आता है, जो पीछे घुरा हुआ जो लोग हैं उन लोगों को आगे लाने के लिए उसने अपने आप को हर दिन अपने आप को अर्पण करते हुए उसने हर एक लोगों को एक नया उजाला लाया उसने बी आर अम्बेडकर साहेब ने। और उसी तरह से और उसने पहला लड़ाई लड़ा है केवल पानी के लिए लड़ाई लड़ा है, दूसरा वोट के लिए लड़ाई लड़ा है, क्योंकि 1931 में उसने केवल वोट के लिए लड़ाई लड़ा और बाकी लोग ने उसने क्या कहा कि नहीं नहीं वोट उन लोग देना चाहिए जो जिनके पास पैसे है जिनके पास धन है उन लोग को वोट देना चाहिए करके। लेकिन बी आर अम्बेडकर साहब ने उस दिन राउंड टेबल में मीटिंग में ये कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने, क्योंकि और वोट अगर उन लोग की देगा तो और हम लोग किधर जाएंगे, क्योंकि वोट का हक हर एक लोगों को है और हर एक लोगों को रहना चाहिए करके पहला वो राउंड टेबल मीटिंग में उसने किया है। और मैं उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर को मैं धन्यवाद करते हुए और इसी तरह से हर दिन उनके रास्ते पे चलने के लिए हम सब कोशिश करेंगे और इसको जो भी तोड़ने आएगा हम उनको छोड़ेगा नहीं और उनको कभी आगे बढ़ने भी नहीं देंगे। धन्यवाद।